केंद्र व प्रदेश सरकार को घेरते हुए कांग्रेसियों ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए एक राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस जिला कमेटी के नेतृत्व पर यह ज्ञापन सौंपा गया, आइए आपको भी दिखाते हैं। जिला मुख्यालय की तिकोनिया पार्क में मौजूद है सभी लोग जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं। बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष विनीता साके और शहर अध्यक्ष अजय दुबे की नेतृत्व में यह दर्जनों कांग्रेसी यहां प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां तिकोनिया पार्क में जमकर नारेबाजी इन कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने की है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन भी जिला अधिकारी को सौंपा है, जिसमें बताया है कि अपराधी दिन प्रतिदिन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। वर्ष 2023 में NCRB रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराधों के मामले में पहले स्थान पर रहा है। इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत में होने वाले अपराधों में 15% अपराध उत्तर प्रदेश में होना भी बताया गया है। उन्होंने ज्ञापन में यह भी बताया है कि 2 नवंबर 2023 के दिन BHU की छात्रा की 3 भाजपा के युवाओं द्वारा भी बेखौफ होकर गन पॉइंट पर नग्न वीडियो बनाई गई और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद 5 नवंबर वर्ष 2023 को CCTV फुटेज एवं 8 नवंबर 2023 को पीड़िता द्वारा भी पहचान की गई, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बचाने की नीयत से मध्य प्रदेश चुनाव में भेज दिया। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है और जमकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ बताया है यह आप भी सुनिए। हर व्यक्ति को अपना अपना काम करना चाहिए, राजनीतिक व्यक्ति को राजनीति करनी चाहिए, जो धर्माचार्य हैं उनको धार्मिक काम करना चाहिए। हम किसी के भी विरोधी नहीं है, कांग्रेस पार्टी किसी भी धर्म की विरोधी नहीं है, हर धर्म का पूरा सम्मान करती है, भगवान रामचंद्र जी का भी पूरा सम्मान और मान करती है, लेकिन हमारे धर्म में सनातन धर्म में आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी, जैसा कि सभी सनातन धर्मी हैं यहाँ पे सब लोगों को मालूम होगा जी। तो जो काम आज वहाँ पर अयोध्या में हो रहा है, हम अपनी व्यक्तिगत हम यह चाहते हैं कि उन धर्माचार्य हमारे जो चारों पीठ के पीठाधीश्वर हैं उनके द्वारा कराया जाता तो शायद सनातन धर्म को बहुत अच्छा लगता और ये उचित रहता। आज हम लोग माँ महिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो आज महिलाओं पर, बहन बेटियों पर जो अत्याचार, उत्पीड़न और बलात्कार लगातार हो रहे हैं, इस संबंध में माँ महिम राज्यपाल जी को आज जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग सभी कांग्रेसी जन जिला शहर कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण ज्ञापन करते हैं। मांग क्या है आपकी ज्ञापन? मांग हमारी यही है कि जो RTI SAU की जो छात्रा थी 2 नवंबर को जो आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो उसके साथ बलात्कार किया है, हम लोग यही चाहते हैं कि कांग्रेसी जन मिलके और हमारे शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर आज जो आरोपी हैं उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आज जितना उत्पीड़न हो रहा है भाजपा सरकार में हो रहा है, इससे पहले कभी भी नहीं। हम लोग यही मांग करते हैं कि उस बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए।